न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर आपको बता दें, CWC की बैठक में अब तक हुई चर्चा के मुताबिक फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहेंगी। अगले साल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है, इसे पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। इससे पहले बैठक की शुरुआत में दिए भाषण में सोनिया गांधी ने खुद को कांग्रेस की पूर्णकालिक और कार्यशील अध्यक्ष बताया। साथ ही उन्होंने G23 नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। तो सोनिया गांधी ने तमाम विद्रोही नेताओं को यहां पर सीधा सीधा संदेश दे दिया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, सोनिया गांधी ने सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि आपको मीडिया के जरिए मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं ही पूर्णकालिक, मैं ही कार्यशील अध्यक्ष हूं। देखिए रवि, बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी बहुत ही सॉफ्ट नरम स्वभाव की नेता मानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में G23 के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की है, वो सोनिया गांधी को रास नहीं आया है। सीधे सीधे कपिल सिब्बल ने पूछा था कि पार्टी में कौन अध्यक्ष है, फैसले कहाँ से हो रहे हैं, ये पता नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष उनके पास नहीं है। और उसी का करारा जवाब दिया सोनिया गांधी ने और कहा कि मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ और क्रियाशील भी हूँ, यानी सक्रिय भी हूँ। तो बड़ी बात यह है कि अब कुछ ही महीने बचे हैं संगठन के चुनाव में। अगर 5 साल का टेन्योर देखा जाए, 2017 में चुनाव हुए थे जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, तो 2022 में वैसे भी नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, 5 साल के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होना था। अब पार्टी के अंदर CWC के अंदर एक राय यह है कि कुछ महीने के लिए एक अध्यक्ष चुनने से अच्छा है कि सोनिया गांधी ये अंतरिम अध्यक्ष बनी रहे, प्रोविजनल अध्यक्ष बनी रहे और प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और अगले साल तक जो तय समय पे चुनाव होने थे 5 साल के बाद, उसी वक्त लगभग नया अध्यक्ष बने जो 5 साल काम करे। उसकी वजह यह है कि आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव है, तो संगठन के चुनाव कराएगी पार्टी या विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। लेकिन अरुण, बड़ा सवाल ये भी है कि जो विद्रोही नेता थे G23 के, उनका रिएक्शन क्या आया जब सोनिया गांधी ने यह संदेश दे दिया कि मैं ही सब कुछ हूं? देखिए रवि, यही देखने वाली बात थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि सोनिया गांधी ने इतने तीखे तेवर, तल्ख तेवर अगर अख्तियार किए तो उसका जवाब G23 के नेता कैसे देते हैं। और G23 के सबसे बड़े जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो अक्सर एक तरह से अध्यक्ष उसके G23 समूह के हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के भाषण के बाद ये कहा कि उनको सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी आस्था है, सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो G23 या असंतुष्ट गुट के नेताओं में नरमी आई है, उनके तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं क्योंकि सोनिया गांधी ने बहुत ही कड़ा प्रहार किया था उनको ये कहते हुए कि मीडिया के जरिए मुझसे मत बात करिए, मैं तो आपके लिए उपलब्ध हूँ, मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ, मैं क्रियाशील भी हूँ। और एक जो बड़ी बात कही थी कि चाहे पैंडेमिक हो, महंगाई हो या जितने भी मुद्दे आए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, युवाओं ने आगे बढ़ करके, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने आगे बढ़ के मोर्चा संभाला है, यानी एक तरह से वो ये भी कह रही हैं कि आप लोग सरकार से लड़ने में पीछे हो जाते हैं, पार्टी के अंदर लड़ने में आगे रहते हैं। और अरुण, बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस पब्लिक में मैसेज क्या देना चाह रही है इस बैठक के जरिए, क्योंकि अभी हाल के दिनों की बात करें, पंजाब की बात करें, खुद कांग्रेस कार्य समिति की बात करें, G23 की बात करें, तो कांग्रेस विवादों में घिरी है। जहां जनाधार बढ़ाने की बात है, वहां पीछे कांग्रेस साफ तौर से बैकफुट में नजर आ रही है। अब आपको लग रहा है ये संदेश दिया है कि मैं अध्यक्ष हूं, डिसीजन मेरे द्वारा यहां से लिए जाएंगे, अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि विवादों से हटा जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। देखिए रवि, जो भी दल विपक्ष में होता है या कमजोर हो जाता है, उसमें सवाल उठते हैं, नेतृत्व पर सवाल उठते हैं, कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, नीतियों को लेकर सवाल उठते हैं, कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, पिछले लोकसभा चुनाव में 44, उसके बाद 52, ऐसा कभी उसका प्रदर्शन रहा नहीं है। और जब नेतृत्व कमजोर होता है तो पार्टी के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं या असंतुष्ट गुट के नेता होते हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उन्होंने G23 के मंच के जरिए ये किया, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से, जिस अंदाजे बयां उनका था, जिस तरह से जवाब दिया है, जाहिर सी बात है वो दो दो हाथ करने के मूड में हैं इन असंतुष्ट नेताओं से। अगर ये आगे बढ़ते हैं, अगर ये खामोश हो जाते हैं, तो उनको साथ लेकर के, यूनिटी की भी बात वो कर रही हैं अपने भाषण में, साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। और असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं को उन्होंने अकोमोडेट भी किया है, कुछ लोगों को प्रभारी बनाया गया है, कुछ लोगों को कमेटियों में डाला गया है। तो कोशिश उनकी ये है कि एक तरफ तल्ख तेवर अपना करके इनको नसीहत भी दें और दूसरी तरफ सबको साथ लेकर के चलें, ताकि आने वाले समय में पार्टी भी मजबूत हो और चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन हो। और अरुण, उत्तर प्रदेश को लेकर कोई रणनीति को लेकर चर्चा वहां पे हुई है, पंजाब को लेकर, क्योंकि पंजाब में तो सब कुछ गड़बड़ा गया है, कौन अध्यक्ष है,
कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वहां पे पसोपेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपको अपनी जमीन तैयार करनी है, उसको लेकर किसी तरह से कोई रणनीति वहां दिखाई दी? देखिए रवि, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक G23 के समूह के नेताओं की एक चिट्ठी के बाद बुलाई गई, जिसमें संगठन के चुनाव वो कराना चाहते थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव जल्दी कराना चाहते थे, कांग्रेस की चुनाव समिति जो है उसका चुनाव कराना चाहते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन की बात कर रहे थे। तो ये एक बड़ा कैनवस पर पार्टी के रिवाइवल, पार्टी की लीडरशिप के सक्रिय दिखने, बड़े कैनवस की ये बैठक है। हाँ, जरूर है, राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उनको लेकर के भी चर्चा होगी और अपने सुझाव रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस बैठक में आए हुए हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश की जो इंचार्ज हैं, महासचिव हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रणनीति बनानी, इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो चर्चा हुई है वो एक बड़े मुद्दे, बड़े कैनवस पर हुई है। शुक्रिया अरुण।